हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स थंबनेल में देख के आपने समझ ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स जी हाँ, मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ टिश्यू या ऊतक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और उनका वर्ग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में अब हम लोग जान रहे हैं टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या ऊतक बोलते हैं। तो ये टिश्यू क्या होता है ये जानेंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, मतलब कि रचना एवं कार्यों में समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जब कई सारी सेल, ऐसी सेल जो जिनकी रचना समान हो और उनका कार्य समान हो, वो जब मिलती हैं तो वो मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं या फिर ऊतक का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे मैंने इधर दिखाया हुआ है जो टिश्यू है ये क्या है, ये सबसे पहले क्या सेल थी, सेल से क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल जब कई सारी सेल मिल गई तो टिश्यू का निर्माण हुआ। टिश्यू कई सारे जब मिले तो क्या हुआ, ऑर्गेन बना। ऑर्गेन मतलब कि अंग कोई बना, उसके बाद में क्या ऑर्गेन सिस्टम बनता है, आफ्टर दैट जीव का निर्माण होता है। मतलब कि जब टिश्यू मिलेंगे तो अंग कोई बनेगा, चाहे वो लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्टमक हो, एक अंग का निर्माण हुआ। उसके बाद में कई सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, ये अंग तंत्र या फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक जीव का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये टिश्यू का ये ऐसी प्रोसेस होती है। अब हम जानते हैं कि जो टिश्यू है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। जबकि हम लोगों ने जो सेल में पढ़ा था, सेल की स्टडी को क्या कहते थे, साइटोलॉजी बोलते थे, बट ये जो टिश्यू की स्टडी को क्या, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड्स इसके फादर किसको कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ द हिस्टोलॉजी, तो किसको कहा जाता है, ये मार्सेलो मैल्पीगी। मार्सेलो मैल्पीगी जो है ये क्या है, हिस्टोलॉजी के पिता कहलाते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इटली के रहने वाले थे। तो ये जो है टिश्यू के बारे में हम लोगों ने जाना। आइए देखते हैं टिश्यू कितने प्रकार का होता है। जब टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो एक होता है एनिमल टिश्यू, दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की, या फिर जो जूलॉजी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको बॉटनी में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग एनिमल टिश्यू की ही सिर्फ बात करेंगे। तो जो एनिमल टिश्यू होता है तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं या उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं उपकला ऊतक। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। फिर होता है नर्वस टिश्यू, जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और लास्ट जो होता है ये होता है मस्कुलर टिश्यू, जो कि पेशी ऊतक कहलाता है। तो जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। फ्रेंड्स जब हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग बोलते हैं उपकला ऊतक। इसका मतलब ये होता है कि ये कवरिंग का काम करता है, मतलब कि एक आवरण प्रदान करता है, वो चाहे बाह्य अंग हो या फिर आंतरिक अंग हो। बाह्य अंगों से मतलब है स्किन, स्किन पे भी जैसे जो हमारी स्किन होती है ये क्या है, उपकला ऊतक की बनी होती है। जैसे कि आप सब्जियां लेते हैं या फ्रूट्स लेते हैं, देखते हैं तो उसके ऊपर जो छिलका होता है वो कवरिंग का काम करता है, फ्रूट को या फिर वेजिटेबल को, सब्जियों को क्या, सेफ रखने का काम करता है। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स ये जो उपकला ऊतक होता है ये भी कवरिंग का काम करता है, या फिर एक आवरण प्रदान करता है किसी भी अंग को, चाहे बाहरी हो या फिर आंतरिक हो। बाहरी मैंने बताया जैसे कि स्किन हो गई, आंतरिक अंग की मीन्स चाहे वो आपके लंग्स हो, आपका अमाशय हो, वो पेट हो, स्टमक हो या फिर इंटेस्टाइन हो, इस टाइप से अंगों को भी वो कवरिंग प्रदान करने का काम करता है, जिससे कि कोई भी ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचे। अगला फ्रेंड्स जब हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मीन्स होता है संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव ये कनेक्ट रखने का काम करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड, ब्लड में क्या होता है, कौन सा ऊतक पाया जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लड में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। फिलहाल ब्लड में होता है वो तरल संयोजी ऊतक, उसको बोलते हैं। अगला फ्रेंड्स है लिम्फ, लिम्फ में भी क्या कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसके अलावा बोन और कार्टिलेज, इनमें भी कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। बोन जो होता है आप जानते हैं हड्डियों को में कौन सा पाया जाता है टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज फ्रेंड्स बोलते हैं उपास्थि को, जैसे इसको अस्थि होता है, बोन होता है अस्थि, कार्टिलेज होता है उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? ये एक बोन का सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे कि बोन बहुत हार्ड होती है, हड्डी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है। जैसे कि आपका ईयर, ईयर में जो यहाँ पे जिसको पिंगना बोलते हैं हिंदी में, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये हड्डी का नहीं बना होता है। नोज में जो हमारा ये आगे का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये भी कार्टिलेज का बना होता है। अगर कार्टिलेज का ना हो तो ये इधर उधर पूरी से मूवमेंट भी ना कर पाए और इसका शेप भी सही से नहीं रहेगा। तो जो अस्थि होती है वो बहुत हार्ड होती है, और उपास्थि क्या है? उसी का सॉफ्ट पार्ट या सॉफ्ट भाग को ही उपास्थि या फिर कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज में, ब्लड में, लिम्फ में और बोन में, इनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक पाया जाता है। अगला फ्रेंड्स जो है ये है नर्वस टिश्यू। ये क्या है? ये नर्व्स में, ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में इसका, ब्रेन का निर्माण कौन से टिश्यू से होता है? नर्वस टिश्यू से होता है, इसीलिए इसको तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। अगला जो फ्रेंड्स है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसे कि आपको पता चल रहा है कि पेशियों से बना है, मसल से बना है, तो ये मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। बट फ्रेंड्स इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, अभी इसमें पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं अगले पार्ट में भी आपको बता रही हूँ कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। और फ्रेंड्स इपिथेलियल टिश्यू को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, तो इसको भी मैं आगे आपको अभी डिस्कस करती हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद में एक उसमें पार्ट था मस्कुलर टिश्यू जिसको हम लोग पेशी ऊतक बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है और कौन कौन से अंगों को बनाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पहला होता है इसमें बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, मतलब कि ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री मसल, मतलब कि अनैच्छिक पेशियां। और तीसरा जो होता है कार्डियक मसल, या फिर जिसको हृदय पेशियां भी बोलते हैं, मतलब कि इन पेशियों से निर्माण किसका होता है? हृदय का होता है। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप की पेशियां होती हैं। तो पहला जो है वॉलेंट्री जो मसल होती हैं, इनको जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है ऐच्छिक पेशियां, मतलब कि ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, हमारी इच्छा पे डिपेंड करती हैं, और इन पे नर्वस सिस्टम का नियंत्रण होता है। मतलब हमारा जो ब्रेन है, हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है वॉलेंट्री मसल पे। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारा हाथ है, हाथ में ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, ये क्या? ये हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल है। इस पे मैं चाहूंगी तो हाथ हिला सकती हूँ, मैं नहीं हिलाना चाहूँ तो नहीं हिला सकती हूँ। तो ये क्या कंट्रोल जो होता है नर्वस सिस्टम पे या मस्तिष्क पे, उनको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल बोलते हैं या फिर ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं। एग्जांपल में और क्या क्या आ जाएगा? पैर, मैं चलना चाहूंगी मूवमेंट के लिए तो मैं चल पा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मेन जो मसल होती है वो बोन से जुड़ी होती है, वो पैर की भी है, हाथ की भी है और गले की। जब मैं मूवमेंट ऐसे कराना चाह रही हूँ तो मैं इधर भी घूम सकती हूँ, अपने इच्छा के अनुसार इधर भी मैं मूवमेंट करा सकती हूँ। तो इसका एग्जांपल में कौन कौन सी आएंगी पेशियां? आपके हाथ की आएंगी, पैर की आएंगी, गले की आएंगी। तो ये हमारे इच्छा पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स ये जो वॉलेंट्री मसल्स को और क्या बोलते हैं, किस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो स्केलेटल मसल, इसको क्या स्केलेटल मसल या फिर कंकाल पेशियां भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, अगर कंकाल पेशियां या स्केलेटल मसल पूछा जाए तो भी आपको ऐच्छिक पेशियां या वॉलेंट्री मसल के ही बारे में बताना है, और या फिर अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाए कि ऐच्छिक पेशियां क्या होती, तो आपने समझ ही लिया है इसको।